हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में मैं रुचि मैम आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए, हमारा जो टॉप 10 क्वेश्चन की लिस्ट है आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। क्वेश्चन क्या है? गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डिम्बावस्था, ये डिम्ब ओनली लिखा हुआ, ये है डिम्बावस्था। क्या है? डिम्बा, डिम्बा होता है। ओके, डिम्बावस्था। ऑप्शन नंबर बी है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ऑप्शन नंबर सी है भ्रूणावस्था। और ऑप्शन नंबर डी है बीजावस्था। तो बताएं कौन सी अवस्था है। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स। पहला है डिम्बावस्था, और दूसरा है हमारा गर्भस्थ शिशु की अवस्था, तीसरा है हमारा भ्रूणावस्था, और चौथा है हमारा बीजावस्था। तो देखिए इसका फ्रेंड्स जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, भ्रूणावस्था। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? विकास की द्वितीय अवस्था है। गर्भकालीन विकास की कितनी अवस्थाएँ होती हैं? तीन अवस्थाएँ होती हैं, ठीक है ना। तीन अवस्थाओं में ये जो भ्रूणावस्था है ये द्वितीय अवस्था है, और जो गर्भस्थ शिशु की अवस्था है ये आखिरी तीसरी अवस्था होती है, और जो बीजावस्था होती है ये पहली अवस्था होती है, ठीक। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो। एंजिल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, ध्यान दीजिएगा एंजिल महोदय ने क्या दिया है, अर्थशास्त्र में क्या बताया है, एंजिल महोदय ने क्या बताया है, ये हमको राइट ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन है एंजिल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है। अब इसके आगे का सेंटेंस हमको पूरा करना है। राइट कौन सा है सेंटेंस? ऑप्शन नंबर ए है भोजन पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है। क्या? भोजन के व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर बी भोजन पर कुल आय का प्रतिशत बढ़ता जाता है। मैं वन साइड हूँ, क्वेश्चन में भी छिप रहे हूँ आपके। भोजन पर कुल व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है, भोजन का, भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घटता जाता है, भोजन पर व्यय समान रहता है। तो बताएं राइट ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स, बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घटता जाता है। देखिए एंजिल महोदय ने क्या बताया, एंजिल महोदय ने बताया कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती जाएगी उसकी भोजन पर व्यय होने वाला प्रतिशत जो है, प्रतिशत की बात हो रही है, सॉरी प्रतिशत जो क्या है, प्रतिशत की मात्रा मीन्स उसमें जो भी लागत आएगी वो क्या होगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई व्यक्ति बहुत कमा रहा है तो वो कम खाने लगेगा, ये मतलब इसका क्या, ये मतलब इसका नहीं होगा। कहने का मतलब ये, जैसे हमने आपको इसके पहले एक एग्जांपल दिया था, मान लीजिए किसी व्यक्ति की क्या है, इसको इसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आपको। मान लीजिए किसी व्यक्ति की, यहाँ पर पांच लोग हैं, ठीक है ना, हम हो और हमारे साथ पांच लोग। अब जो पहला व्यक्ति है वो 50 रुपये कमा रहा, दूसरा व्यक्ति जो है वो 100 रुपये कमा रहा, तीसरा व्यक्ति 150 रुपये कमा रहा, चौथा व्यक्ति 200 रुपये कमा रहा, और पाँचवा व्यक्ति 300 रुपये कमा रहा है, ठीक है ना। मीन्स इस तरह से क्या कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग आय है। ये हम बहुत कम पैसे में बता रहे हैं जिससे आपको क्या हो, समझ में आ जाए आपका कॉन्सेप्ट। अब अगर हम पहले क्या कर, अब हम सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने भोजन पर 5-5% मान लीजिए व्यय कर रहे हैं, तो जो 50 रुपये कमा रहा है, ठीक है ना, वो अपनी आय का 5% भोजन पर खर्च करेगा, यानी 25 कितना होगा, 25 मींस यहाँ पर 0.25 का आएगा, ठीक। अब अगर जो 100 रुपये कमा रहा है, समझ रहे हैं ना, जो 100 रुपये कमा रहा है वो 5% में कितना आ जाएगा,
ठीक, तो वो 5% जो 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति, 100 रुपए में 5 रुपए, जो 50 रुपए कमा रहा था वो कितना 25 पैसे ही केवल इन्वेस्ट वो कर रहा है, अपना 5% में केवल 25 पैसे ही वो कर रहा है इन्वेस्ट कर रहा है खाने पर। वहीं पर जो 100 रुपए कमा रहा है वो अपने खाने में कितना 5 रुपए खर्च कर रहा है। पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं लेकिन जो प्रतिशत है वो क्या है, समान है, ठीक है ना, लेकिन पैसे क्या हो रहे हैं, ज्यादा खर्च हो रहे हैं, इसलिए मीन्स उसकी मात्रा क्या है, प्रतिशत मात्रा। अब जरूरी नहीं है हम अगर 2 रोटी आज खा रहे हैं तो क्या ये जरूरी है कि हम भाई जितनी हमें आवश्यकता है, जितनी हमें कैलोरी की आवश्यकता है, जितनी हमें फैट की आवश्यकता है, हम उतना ही तो लेंगे ना, ज्यादा नहीं लेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि हम अगर कल को 50,000 कमाने लगे तो भी हम 5% ही खर्च करेंगे, क्योंकि हमें खाने में जितना, मान लीजिए हम 2 रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटियां मिलेंगी तो 10 रुपए की ही ना, मिलेंगी तो 10 10 रुपए की सभी को मिलेंगी रोटियां, चाहे वो 50 रुपए कमाए, चाहे वो 100 रुपए कमाए, चाहे 150 कमाए, 200 कमाए, 300 कमाए, जितना भी कमाए, अगर 2 रोटी खा लेगा। अब ये तो नहीं है कि अगर भाई हम 150 कमा रहे हैं तो हम 4 रोटी खाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। अपनी अपनी जिसकी जितनी कैलोरी है, जितनी इसको कैलोरी चाहिए वो उतना ही रहेगा। इसीलिए जो मीन्स, अब मान लीजिए हमने 100 रुपये, पहले मेरे पास 100 रुपये थे, हमने 10 रुपये की रोटियां ली, ठीक है ना, तो कितना मेरे पास सेव बचा, 90। अब अगर किसी का 150 रुपये इनकम है, अब वो इस 150 में 10 ही रुपये की रोटी लेगा ना, तो कितना बच जाएगा, 140। मीन्स उसकी ये जो है ये बढ़ती जाएगी ना आय, ठीक है ना। तो प्रतिशत मात्रा क्या होगा, घटता जाएगा, क्योंकि हम अब 150 में ऐसा प्रतिशत निकाल लेंगे जो 10 के बराबर आ जाए, समझ रहे हैं ना। वही चीज हो गई, जो भोजन में व्यय का प्रतिशत क्या होता है, घटता जाता है, ठीक। चलिए इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को कहते हैं, 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कृंतक, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय कृंतक, ऑप्शन नंबर सी है प्री मोलर और ऑप्शन नंबर डी है मोलर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए कृंतक। देखिए ऑप्शन नंबर ए कृंतक होगा। अब इसमें हमें ये देखना, देखिए हमने आपको जब फिजियो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाई उसमें हमने आपको बताया कि जब भी हम दांतों को पढ़ते हैं, आप तीन ये चार चीज़ें याद रखिए, ICPM, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। ये दांत क्या होते हैं, ये चार प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो जो कृंतक दांत होता है ये क्या होता है, 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांत होते हैं, ठीक, दांत चार प्रकार के, ICPM, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और जो ये बीज जो कृंतक दांत होते हैं ये बीच के दांत होते हैं आगे, जो कि भोजन को क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है, ऑप्शन नंबर ए रासायनिक विधि, ऑप्शन नंबर बी अवशोषक विधि, ऑप्शन नंबर सी घोलक विधि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप मेरे साथ दीजिए कमेंट्स करें, हम देख रहे हैं आप लोगों के कमेंट्स, करिए कमेंट्स फटाफट करिए। चलिए फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा अवशोषक विधि। कोई भी चिकनाई का धब्बा लगता है फ्रेंड्स तो इसमें हम यूज़ करते हैं क्या, अवशोषक विधि। अवशोषक विधि क्या होती है, इस विधि में क्या होता है, कपड़ा है, कपड़े पर कोई भी मान लीजिए घी का दाग लग गया, ये तेल का लग गया, तो इसमें लाइक टेलकम पाउडर और मुल्तानी मिट्टी या चौक इस तरह से क्या कर दिया जाता है, कपड़े के ऊपर डाली जाती है और उसको क्या करते हैं, चाहे आप गर्म करके अगर दाग जमा हुआ है तो आप नीचे से प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, जो भी जितना हमारा ऑयली चीज़ है वो सारी जो हम अवशोषक विधि जो मेथड यूज़ करेंगे, इसमें जो सामग्री का यूज़ करेंगे उस सामग्री में ये जो हमारी फैट हैं, ऑयली चीज़ें हैं, ये सारी क्या हो जाएंगी, अवशोषित तो हो जाती हैं, इसीलिए इसका नाम दिया अवशोषक मेथड। रासायनिक विधि का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि रासायनिक विधि में हम किसी न किसी एसिड का या इस टाइप का यूज़ करते हैं। दूसरा घोलक विधि का भी नहीं करते,
इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या क्या है। आवश्यक खनिज लवणों की संख्या, ऑप्शन नंबर ए है 18, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 22, ऑप्शन नंबर डी 24। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन होगा 24। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या 24 है। ये जो आवश्यक खनिज लवण होते हैं ये हमारी हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए या शरीर की कार्यकी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं। वसा के पाचन क्रिया में करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आम्योलाचिक, यहाँ गलत लिखा है आम्योलिटिक एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी लाइपोलिटिक एंजाइम और ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज। तो देखिए आम्योलिटिक कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं प्रोटियोलिटिक तो ये ऐसे होते हैं जो प्रोटीन को पचाने वाले होते हैं एंजाइम, कौन से प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी जो लाइपोलिटिक है, लाइपोलिटिक एंजाइम जो है ये वसा को पचाने वाला एंजाइम होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी लाइपोलिटिक एंजाइम। और जो एमाइलेज होता है तो ये आप जानते हैं कि हमारे लार में पाया जाता है, ठीक है ना। जो एमाइलेज होता है भोजन को पचाने में मदद करता है, ठीक। और जो वसा है वसा को पचाने के लिए लाइपोलिटिक एंजाइम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक निःसंक्रमण क्या है। प्राकृतिक निःसंक्रमण, प्राकृतिक मतलब आप समझ रहे हैं ना, नेचुरल, निःसंक्रमण मतलब संक्रमण को दूर करना, संक्रमण को हटाना। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लोग मेडिसिन के थ्रू या रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करके क्या करते हैं, वस्तुओं को निःसंक्रमित करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है फ्रेंड्स हमें प्राकृतिक का बताना है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है रोगाणुओं को जलाना, ऑप्शन नंबर बी रोगाणुओं को उबाल कर नष्ट करना, ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, ऑप्शन नंबर डी फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को हटाना। तो देखिए रोगाणुओं को जलाना, क्या रोगाणुओं को जलाया जा सकता है, रोगाणुओं से संबंधित वस्तुओं को जलाया जा सकता है। तो बड़ा ही अजीब सा ऑप्शन है जिसको देख के थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब हंसी आती, ठीक। और ऑप्शन नंबर बी रोगाणुओं को उबाल कर नष्ट करना, तो कोई रोगाणु इस तरह से तो नहीं है ना कि हाथ में पकड़े उनको बॉयल कर दिया और वो सही हो गए, तो ये भी मेथड क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमें प्राकृतिक निःसंक्रमण ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोल, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। अब ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, क्या किसी मनुष्य के द्वारा या कोई ऐसा मेथड फॉलो करके क्या हम अल्ट्रावायलेट किरणों को लगा सकते हैं या दे सकते हैं डायरेक्ट, नहीं। ये क्या है, ये प्राकृतिक निःसंक्रमण का सबसे अच्छा उपाय कि अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को हम नष्ट करते हैं। वहीं पर अगर ऑप्शन नंबर डी की बात आती है फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, तो फ्रेंड्स ये रासायनिक मेथड में आ जाता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरे के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी मीथेन गैस। तो बताएं आप लोग इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड होगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है आप जानते हैं ये जिसको पानी पानी बोलते हैं, पानी का क्या है सूत्र है H2O, हाइड्रोजन रासायनिक भाषा में है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ये स्मॉग से संबंधित नहीं होगा और इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है कपड़ों को काटने वाला कीट होता है, कपड़ों को काटने वाला कीट, ऑप्शन नंबर ए क्लीप मोथ, ऑप्शन नंबर बी सिल्वर फिश, ऑप्शन नंबर सी क्यू फैलकस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है क्लीप मोथ। ये क्लीप मोथ क्या होता है, कीड़ा होता है, ठीक है, जो को क्या करता है कपड़ों को काट देता है अपने मुंह के थ्रू, ठीक है, मुंह से ये कपड़ों को काट देता है। जो सिल्वर फिश होती है,
फिश कभी भी कपड़ों को नहीं काटती, ठीक है, क्योंकि फिश कहीं घर में तो रहती नहीं है ना, वो सीधे सीधे जल में रहती है। क्यू फैल्कस, ये कीड़ा इस टाइप का कोई काम नहीं करता है। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्लीट मोफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है? ये देखना है, क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है। ऑप्शन नंबर ए है रेशमी वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी नायलॉन, ऑप्शन नंबर डी टेरिकॉट। तो देखिए, इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। जितने भी हमारे प्राकृतिक रेशों से, मतलब है जो भी हमें पेड़ पौधों के थ्रू, ठीक है ना, जितने भी हमारे पेड़ पौधों के थ्रू रेशे प्राप्त होते हैं, वो उनको अगर आप क्षारीय क्रिया से अभिक्रिया कराते हैं तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं पर प्राकृतिक के अंतर्गत आने वाले जंतुओं के अंतर्गत जितने भी रेशे प्राप्त होते हैं, या प्राणिज रेशे आप कह सकते हैं, वो सारे क्या अम्लीय से क्रिया कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स जो प्राणिज रेशे होते हैं वो अम्लीय से अभिक्रिया कराई जाती है, और जो सूती रेशे होते हैं वो किससे? क्षारीय से अभिक्रिया कराई जाती है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। रही नायलॉन के बाद, तो ये कृत्रिम रेशा है, टेरिकॉट भी क्या है? कृत्रिम रेशा है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस रहे। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आगे फिर से हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको, जो भी स्टूडेंट हैं, आपको बताया गया था, एक दिन और बढ़ाया गया था 20% डिस्काउंट का, हमारे यहाँ एडमिशन चल रहा है, और आज से क्या है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। अगर आपको एडमिशन लेना है, आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं, 8400333260। ओके, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं, आपको जो भी सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में आपको सारे प्रोसेस भी बताए जाते हैं, कैसे एडमिशन लेना है, क्या करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।